बॉलीवुड एक्टर इरफान खान एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग से, चाहे वो एक छोटा रोल हो या पूरी फिल्म, सबका दिल जीता है। एक बार फिर इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम फाइनली रिलीज होने के लिए तैयार है। 13 फरवरी को इसका ट्रेलर जारी किया जाएगा, मगर उससे पहले इरफान ने अपने फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया जो बहुत ही इमोशनल है। उन्होंने वीडियो में इमोशनल मैसेज शेयर किया जिसमें अंग्रेजी मीडियम से रिलेटेड फोटोज का इस्तेमाल किया गया है और इरफान का वॉइस ओवर है। वीडियो की शुरुआत इरफान हेलो भाइयों और बहनों नमस्कार से करते हैं। अपने नाम के साथ मैसेज की शुरुआत करते हुए वो कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं भी और नहीं भी। ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम उनके लिए बहुत खास है। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट किया जाए जितने प्यार से बनाया गया, लेकिन उनके शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं जिनसे उनका वार्तालाप चल रहा है। जैसा भी होगा सभी को इत्तला कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक कहावत का इस्तेमाल भी किया, When life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके पास ऑप्शन ही क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन नींबू की शिकंजी बना पाते हैं या नहीं बना पाते ये आप पर है। तो सबने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। इरफान की उम्मीद है कि ये फिल्म सबको हंसाएगी, सिखाएगी और रुलाएगी, लेकिन फिर से हंसाएगी। शायद इसके साथ ही इरफान खान अंग्रेजी में कहते हैं कि बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द ट्रेलर एंड वेट फॉर मी। आपको बता दें कि अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम की फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म होगी। इसे होमी अज़ानिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में इरफान के साथ करीना कपूर और राधिका मदान लीड रोल में है। दीपक डोबरियाल और डिम्पल कपाड़िया भी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। फिल्म मार्च में रिलीज हो रही है। फिलहाल इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी हुई है जिसका इलाज लंदन में चल रहा है। इलाज के बीच में उन्होंने अंग्रेजी मीडियम फिल्म की शूटिंग पूरी की और इस वक्त वो पूरी तरह से अपना इलाज करवा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इरफान खान की तबीयत में बेहतर सुधार आए। For latest Bollywood news, gossips, reviews and celebrity news, subscribe to our channel Bollywood Lifetimes.